आसमानों पे जो खुदा है उस मेरी यही दुआ है। एक दुखी की खबर ये कि गाइस मेरा जो माइक है वो खराब हो चुका है। जो मैंने बोया का माइक बाय किया था गाइस वो मेरा फोन पे अभी काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए मैं हेडफोन लगा के काम चला रहा हूँ। और पता नहीं गाइस साउंड क्वालिटी जो कैसा आ रहा होगा, सो मैनेज कर लेना गाइस। ओके तो गाइस आज मैं जिस वीडियो का एडिटिंग करने वाला हूँ वो वाला वीडियो गाइस इंस्टाग्राम रील्स पे अभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस 7 मिलियन प्लस व्यूज अभी तक इस वाले वीडियो में आ चुका है और अभी भी ये वाला वीडियो जो ट्रेंड कर रहा है गाइस। और लाइक्स भी आप इसमें देख सकते हो गाइस 300K प्लस लाइक्स आया हुआ है और अभी भी लाइक्स आ रहा है इसमें। ओके तो गाइस मैं आपको बताऊंगा ये वाला वीडियो का ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा गाइस कैसे एडिट करना है, कौन सा ऐप से करना है। ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा गाइस मेरे फेसबुक पेज में। ओके और फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ऐप कौन सा गाइस वो है काइन मास्टर। तो गाइस ये वाला वीडियो गाइस मुझे सेंड करा था टूर भाई ने। अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई वीडियो है तो आप मुझे सेंड कर सकते हो गाइस। उस वाले वीडियो का भी ट्यूटोरियल मैं जरूर से जरूर लेकर के आऊँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस ऑसम एडिट चैनल में आपका स्वागत है। तो वैसे तो फिर निकलते हैं, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस आ चुके हम लोग काइन मास्टर ऐप पर, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले गाइस आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा एंड गाइस यहाँ पर आपको 9:16 का जो रियो से आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है अपना वीडियो को। ओके सो गाइस अपना वीडियो इधर इंपोर्ट हो चुका है। वैसे ये अपना वीडियो नहीं है, मैंने इंस्टाग्राम रील से ही लिया इस वाले वीडियो को सिर्फ एडिटिंग करने के लिए। ओके गाइस तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ेगा। तो गाइस सिंपली यहाँ पर आपको जहाँ पर जैसे हैंड कटिंग करके वहाँ पर लगाना है। जैसे कि मुझे गाइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से हार्ट बनाता है वहाँ पर, ठीक है, तो मुझे यहीं पर एक हैंड कटिंग करके लगाना है। तो गाइस सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस प्लेहेड में गाइस ये जो दिख रहा है आपको इस पर आपको क्लिक करके इसको ब्लू कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो एक मार्क आ जाएगा, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है इस मार्क पे एंड आपको यहाँ पर चलना गाइस इस वाले ऑप्शन पे, इसको कर देना कैप्चर एंड सेव, ठीक है, कैप्चर एंड सेव पर आपको क्लिक कर देना और ये फोटो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। इसी तरीके से गाइस आप जहाँ जहाँ लेना चाहते हो वहाँ वहाँ आप ले सकते हो। जैसे कि मुझे ये कुछ यहाँ पर लेना है तो हम फिर से यहाँ पर मार्क करेंगे एंड यहाँ पर कैप्चर एंड सेव पर क्लिक कर देंगे एंड सो इसी तरीके से गाइस आप जहाँ जहाँ पर लगाना चाहते हो अपना हैंड कटिंग वहाँ वहाँ पर आप लगा सकते हो। तो सिंपली गाइस मैं यही दो फोटो को आपको लगाऊंगा एडिट करके, बाकी आप जिधर जिधर लगाना चाहते हो इजीली लगा सकते हो, ठीक है। तो गाइस इस वाले फोटो को जो सबसे पहले मैंने कैप्चर करा उसको गाइस हम इंपोर्ट करेंगे पिक्स आर्ट ऐप में। ओके गाइस तो गाइस पिक्स आर्ट में आने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। गाइस यहाँ पर आपको ऑल फोटोज़ पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस सबसे पहले जो आपने फोटो कैप्चर करा होगा उसको यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस किसी को मैंने ऐड किया है एंड सिंपली यहाँ पर हम लोग चाहेंगे कट आउट वाले ऑप्शन में। अगर आपके पास कोई अदर एप्लीकेशन है कट आउट करने के लिए तो आप उसका यूज़ कर सकते हो गाइस। अब जरूरी नहीं है कि पिक्सआर्ट का यूज़ आप करो, ठीक है। तो सिंपली गाइस यहाँ पर आपको इस तरीके से कुछ ड्रॉ कर देना है अपने इस हैंड को। ओके एंड इस एरो पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस इसको छोटा करते हैं एंड यहाँ पर रिस्टोर पे क्लिक करेंगे। इसको अच्छे तरीके से गाइस अपने हैंड पे हम लोग जो है कलर कर देंगे गाइस। ओके तो हम फटाफट से इसको कलर कर लेते हैं गाइस। आप चाहते हो गाइस यहाँ से आप इसका रिस्टोर पे क्लिक करके इसका साइज़ हार्डनेस वगैरह आप बड़ा घटा सकते हो। ओके एंड अगर आपका कहीं पर और ड्रॉ हो जाए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो गाइस ये कुछ इधर आ गया, तो आप यहाँ इरेज पे जाके इसको इरेज भी कर सकते हो इजीली। ओके तो फटाफट से हम लोग कर लेते हैं गाइस इसको अच्छे से। सो गाइस कुछ इस तरीके से कलर करने के बाद यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके अच्छे से इसको देख लेना गाइस। ओके अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके एंड यहाँ पर सिंपली गाइस आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस ये देख सकते हो कुछ लाल लाल सा हो गया, बस इतना कुछ इससे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा गाइस, ईजिली जो वहाँ पर अच्छे से ऐड हो जाएगा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके तो इसी तरीके से गाइस आपका जितना भी सारा फोटोज़ होगा आपको सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही करते जाना है। सिंपली यहाँ पर आपको इधर यहाँ से भी सेव कर सकते हो गाइस। तो यहाँ से मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ से सेव करो, आप चले आना इधर ड्रो वाले ऑप्शन में, यहाँ पर आपको ड्रो पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव करना है। यहाँ से सेव करोगे तो इसका क्वालिटी ज़्यादा सा भी कम नहीं होगा। ओके तो सेव करने के बाद गाइस आपके जितने भी सारे फोटोज़ वहाँ से आपने कैप्चर करा होगा, जिस जिस पार्ट को आप कट करना चाहते हो उसको कट कर लेना एंड गाइस इन सारे फोटोज़ को इम्पोर्ट करते हैं हम अपने काइन मास्टर ऐप पर। तो गाइस आ चुके हम लोग काइन मास्टर ऐप पर। ओके तो गाइस सबसे पहले आपको ऐड करना गाइस यहाँ पर आपको सबसे अपना पहला वाला कैप्चर किया हुआ फोटो को, ठीक है, कैप्चर किया फोटो को नहीं गाइस जो आपने कट करा होगा उसको।
तो सिंपली गाइस यहाँ पर आपको पहले डॉट पे क्लिक करना है, सिंपली आपको चले जाना लेयर वाले ऑप्शन पे और यहाँ से आपको मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपको पहला वाला फोटो को ले लेना है गाइस। ओके तो सिंपली गाइस यहाँ से इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं जितना मतलब आपको इधर स्टार्टिंग तक इसको लेकर के आ जाना है। ओके एंड आपको यहाँ पर इस डॉट पे क्लिक करना है और उसके बाद गाइस इधर जितना भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट होगा इसको आपको क्लियर कर देना है। ओके एंड उसके बाद गाइस आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करके इसको बड़ा कर देना है और उसके बाद इसको अच्छे से एडजस्ट कर देना है अपने हाथों पे। ठीक है हाथों पे एडजस्ट कर देते हैं गाइस, अच्छे से एडजस्ट कर दिए कुछ इस तरीके से आपको भी एडजस्ट कर देना है। एंड आपको क्या करना है इसको पहले छोटा करते हैं दोनों उंगली से, पहले इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके तो ये यहाँ पर आया कुछ इस तरीके से। उसके बाद गाइस आपको इधर इस वाले की वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है गाइस। ओके आपको गाइस इधर एंड में रह के आपको इस की वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ओके एंड यहाँ पर आपको एक मार्क करना है पहले इधर, ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लस वाला ऑप्शन रहेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड आपको आ जाना है स्टार्टिंग में और यहाँ पर आपको स्टार्टिंग वाला पोजीशन कुछ इस तरीके से कोने में लगा देना है। ओके थोड़ा सा आगे की तरफ चलना है, अब चाहो तो इधर थोड़ा कर देना, थोड़ा इसको प्लस करके इधर कर देना, अब जिधर चाहो रख सकते हो लेकिन वो एंड में आके गाइस वो अपने पोजीशन में लग जाएगा। देखा गाइस कुछ इस तरीके से वो लग जाएगा। तो सिंपली गाइस यहाँ पर हम लोग अपने दूसरे वाले फोटो को जो इंपोर्ट कर देते हैं, आप चाहो तो दूसरा वाला फोटो भी यहाँ से ले सकते हो, आप यहाँ से भी ले सकते हो। तो सिंपली गाइस यहाँ से मैं स्टार्टिंग से ही लूँगा। ओके सो दूसरा वाला फोटो आ चुका है एंड यहाँ पर दूसरे वाले मार्क पर चलेंगे एंड यहाँ से इसको कट कर देंगे। सेम टू सेम गाइस इधर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे हम लोग, सॉरी पहले एडजस्ट करना पड़ेगा तो बड़ा करते हैं। सो बड़ा करने में गाइस इसको आपको अच्छे से एडजस्ट कर देना है इधर। ओके एडजस्ट कर देते हैं हम अच्छे तरीके से इसको। सो गाइस एडजस्ट करने के बाद सिंपली आपको वैसे ही करना गाइस, पहले आपको एंड में जाना है की वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर मार्क करना है, आपको स्टार्टिंग में आ जाना है एंड यहाँ से आप इसको बड़ा भी कर सकते हो छोटा भी कर सकते हो उससे कोई दिक्कत नहीं है गाइस, क्योंकि वो एंड में जाके तो सेम टू सेम वैसा ही रह जाएगा जैसा पहले है। ओके सिंपली यहाँ पर हम लोग इसको मार्क कर देते हैं, आप चाहो तो इसको राउंड राउंड घुमा भी सकते हो, बड़ा छोटा भी कर सकते हो, इधर कर देते हैं हम लोग, इधर कर दिए एंड इसको यहाँ पर कर देते हैं। तो बाद गाइस यहाँ पर हम लोग प्ले करते हैं, पहले साउंड को ऑफ कर देते हैं, इससे कॉपीराइट प्रॉब्लम आ जाएगा। सो देख सकते हो गाइस बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे आपने उस वाले वीडियो में देखा था। इसी तरीके से गाइस आपको की एनिमेशन आपको थोड़ा अच्छे से एडजस्ट करना गाइस, ऐसे ऐसे करके आना चाहिए आपको, अच्छे से की एनिमेशन एडजस्ट कर देना है एंड सिंपली गाइस आपका वीडियो जो पूरा अच्छे तरीके से बन जाएगा। सो इसी तरीके से गाइस आपने जहाँ जहाँ पर अपने कैप्चर किया होगा फोटो आपको उसको ऐसे ही करके लगाते जाना गाइस। ओके तो सिंपली गाइस यहाँ पर अपना जो वीडियो एडिटिंग खत्म होता है गाइस, आई होप गाइस आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरीके के वीडियो एडिटिंग हमने चैनल पर लाते रहते हैं। तो सबसे ऐसे ही वीडियो पर तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।